गुड मॉर्निंग, हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, ज़रूर बताइएगा। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं क्योंकि पेपर शुरू हो गए हैं गुड्डा के, तो ये देखिए मैं साथ साथ रोटी बना रही हूँ, तो मैंने कहा तो आप लोगों से बातें भी कर लूँ। और इधर बना रही हूँ ये है सूरन यानी जमीकंद, तो जमीकंद की सब्ज़ी तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। अभी मैं इसके पहले दिमाग में नहीं आया, मुझे लगा कि शायद मैंने शेयर कर रखा है, फिर भी मैं अभी बना रही हूँ। जो इसमें बस मैंने कुछ साबुत गरम मसाले, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और तेज़पत्ता बस करके सूरन को अभी भून रही हूँ, इसके बाद इसमें मसाले डालूँगी। तो अब रोटी भी बना ले रही हूँ जिससे कुछ खा के फिर पेपर देने जाए। मल्टीपर्पज़ मसाला डालूंगी जिसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसको मैंने कई बार आपको शेयर किया, एक मसाला आप बना कर रख सकते हैं फ्रिज में और फटाफट आप कोई सब्जी जल्दी हो आपको सुबह तो आप बना सकते हैं। ये है मसाला जिसको मैं बना के रखती हूँ अक्सर, अब डाल देती हूँ और इसको थोड़ा इसके साथ भून लेती हूँ। डाल देते हैं पानी, एक गिलास भर के। उसे ढक देते हैं, पकने के लिए रख छोड़ देते हैं। बढ़िया सब्जी बनके तैयार है, गैस को कम करती हूँ, आपको दिखाऊँ। आप कंसिस्टेंसी ये रख सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें अगर ग्रेवी ज़्यादा थोड़ी देर बाद, क्योंकि ग्रेवी ख़त्म होती है इसकी, मतलब सोख लेता है ये। गैस को करते हैं बंद और सब्जी को कर लेते हैं सर्व, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में है इसलिए थोड़ा आयरनिक टेस्ट आ सकता है और थोड़ी सब्जी काली पड़ जाती है। लेकिन कढ़ाई में बनाने का, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने का अपना ही मज़ा है, इसका अलग ही टेस्ट आता है। तो आइए सर्व कर लेते हैं। आप लोगों को दिखाऊं, बढ़िया सूरन यानी जमीकंद की सब्जी बन के तैयार है। आप लोग भी इस तरीके से बनाना और मुझे अपने कमेंट जरूर लिखना कैसी बनी, आप लोगों को कैसी लगी। सेम मेथड से बनाएंगे, सच में बहुत टेस्टी बनेगी। और लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं अगर आप तो सोने पे सुहागा बहुत ही गर्मी अच्छा टेस्ट आता है। घर के सब काम हो गए, फ्री हो गई, अभी स्कूल जा रही हूँ बेटी के, क्योंकि कुछ ड्रेस वो मतलब जो हाउस ड्रेस होती है थोड़ी छोटी हो रही है, मतलब
उसको भी एक लेंगे। और बीबू सूरन सब्जी कैसी लगी तुम्हें? मजा आया ना? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी सूरन वाली सब्जी बनी थी। आप लोग भी ट्राई करना। मैंने तो खाया जो एक होता है ना कंफर्ट फूड, संतुष्टि वाला, वो आज बहुत दिन बाद मैंने ढंग से खाना भी खाया। तो बहुत अच्छी सब्जी थी, सब्जी रोटी चावल मैंने खाई है। और किचन का आपको दिखा, एकदम सही कर दिया है, बर्तन एकदम तो क्या, एक एक चीज आज पोछा लगाया तो ऐसा लगाया है कि बाई ने तो कभी लगाया नहीं होगा ऐसा। तो बिबू चलो बेटा जल्दी, देर हो रही। आप जाओ मम्मी। तो दे मत करना, डर रहा हूँ। नहीं डर रहा, मैं भूत को दबा नहीं है। ठीक है। तो मैं फटाफट जा रही हूँ। ठीक है बेटू, आप बंद करो दरवाजा। चलो दरवाजा तो बंद कर लो। ओके, चेयर थोड़ा उधर करो, और बंद कर लो। मैं आ रही हूँ ना, गुदब लेके बस आ रही हूँ। ठीक है, अच्छे से पहले बंद करो। यहाँ बंद करना है? नहीं, ठीक है, बंद कर लो वो वाला भी। आ रही हूँ मैं। तो ये ब्लेजर लिया हमने, अब सर्दियाँ हो रही तो ब्लेजर वगैरह की जरूरत पड़ रही है। हाउस टी शर्ट नहीं मिला, ब्लेजर ले लिया है। अब चलते हैं घर। अभी शाम हो गई थी तो कपड़े काफ़ी धुले हुए थे, तो मैंने शाम को सारे कपड़े समेटे। इसके बाद जाके शाम का डिनर बनाया। डिनर बनाने के बाद में काफ़ी कपड़े थे, और यहाँ तक कि जो झोले वगैरह यूज आए थे अभी हॉस्पिटल के दौरान में, वो सब भी मैंने धो दिए थे। जो चप्पल जूते जो हम लोग पहन के आ जा रहे थे, वो सब भी धोया हमने, सब धो दिए थे। तो काफ़ी कपड़े थे हमने सारे फोल्ड करने। शाम को काफ़ी सब यहीं के यहीं मैं फोल्ड कर लेती हूँ, सीधा ले जाके सबके अपनी अपनी अलमारियों में सीधा लगा देती हूँ। इससे आसानी रहती है, सबके कपड़े एक तो अलग हो जाते हैं यहीं के यहीं, और दूसरे आसान हो जाता है, सब अपना अपना अपनी अलमारियों में मिल जाता है सबका। तो इसी तरह से मैं हमेशा, ये मेरी आदत है, सबकी अपनी अपनी जगह है, सब अलग अलग फोल्ड करती हूँ, ले जा के सब रख देती हूँ। बोले ये जो लाइन है ये वाली, पूरे जितने अभी जब हम लोग हॉस्पिटल में थे, छोटे 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 झोले वगैरह वहाँ आते जाते थे, तो उसको भी मैंने सब धो डाले। अस्पताल में आते जाते थे तो लोग थोड़ा सा, thank you।
अभी रात के 10 बज गए हैं। अब आज मेरा रात का सारा काम हो गया है, साफ सफाई सब कुछ, बर्तन क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलूंगी नेक्स्ट नए फ्रेश ब्लॉग में। सूरन की सब्जी की रेसिपी मैंने शेयर की है आप लोगों को, रेसिपी जैसी भी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।